उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर मुकदमे की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। पुलिस मुख्यालय ने बिजलवाड़ के खिलाफ मुकदमे की इजाजत के लिए सरकार को पत्र भेजा था, जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद जिला पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन दिया। बता दें कि पिछले साल जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ SIT जांच के आदेश दिए गए थे और उन पर आरोप था कि साल 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे उनमें अनियमितताएं बरती गई, जिसके बाद से SIT ने नवम्बर माह में जाँच पूरी करने के बाद अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर फाइल शासन को भेजी थी, लेकिन शासन ने जांच में कुछ जरूरी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। इन सभी को SIT ने पूरा कर 28 दिसंबर को शासन को दोबारा फाइल भेजी है, जिसके बाद विशेष गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने मुकदमे की अनुमति के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि अब जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला पंचायत उत्तरकाशी में जो वित्तीय अनियमितताएं भारी भ्रष्टाचार हुआ उसके संबंध में शासन ने जांच कराई, SIT जांच कराई, DM साहब से जांच कराई, कमिश्नर साहब से जांच कराई, भारी वित्तीय अनियमितताएं की पुष्टि की गई और शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष आजकल आपको मालूम है सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं पाक साफ हूँ। कहाँ पाक साफ है? पाक साफ होता तो मुकदमा दर्ज क्यों होता? तो इस जनता को गुमराह कर रहा है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, अभी हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे, हमने मांग की सभी सदस्यों ने कि शीघ्र से शीघ्र मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।